बीमा नहीं है। जैसे अभी आलू का नुकसान हुआ, कुछ लोगों का बीमा था, उनको नहीं मिला, क्योंकि ये चीज जो है प्राकृतिक आपदा पर निर्भर है। तो उसमें जो है अपने यहाँ दो तीन चीजें है, जैसे कि चना है और आलू है, सरसों है, गेहूँ, चार चीजें उन्नाव जिले में ये कंपनी जो है अलाट की है, जिसमें जैसे ज्यादातर लोग जो है गेहूँ की बुआई करते हैं, गेहूँ की जब बुआई करते हैं उसमें बीमा जो धनराशि जमा करनी है 929.25 रुपये पर हेक्टेयर है, मतलब आपके यहाँ 4 बीघे, तो 930 रुपये लगभग में आपको जमा करना है। जब आप जमा करेंगे वो एक हेक्टेयर के लिए वो बीमा हो जाएगा। जब भी अगर नुकसान होता है तो टोल फ्री नंबर मिलेगा, उस पर आपको सूचना 24-48 घंटे में देनी होगी। उसके बाद निरीक्षण होगा, अगर 50% से ज़्यादा नुकसान हुआ है तो आपका बीमा का पैसा जो है 61,950 रुपये की धनराशि दी जाए। अगर 1 एकड़ का बीमा आप कराते हैं तो 372 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा, 372 रुपये 1 एकड़ के लिए, जिस पर आपको जो है 24,780 रुपये मिलेंगे। अगर आपका 1 बीघे है तो उसमें आपको 232.50 रुपये जमा करने पड़ेगा, उसमें जो वापसी है 15,487.50 रुपये। ये है जब आपका जैसे गेहूँ 2967 बोए, उसका उत्पादन अगर हेक्टेयर में 50 क्विंटल दिया, अगर वो 25 से कम आता है, मतलब अगर 25 आता है तो नहीं मिलेगा 50%, 50 से कम आता है तो आपको पूरा मुआवजा मिल जाएगा। अगर आपका उससे कम है तो मिलेगा, अगर ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा, ये भी एक कंडीशन है। इसमें किसान सिर्फ 1.5% दे रहा है, ये जो हमने